नमस्ते सस्रकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने पेश करते हैं अपनी बिटिया के स्कूल का प्रोग्राम। देखिए अभी पहली बार हम देखिए आपके सामने आए हैं, नहीं आए हैं मतलब बोल रहे प्लीज सॉरी इसके लिए, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं आता बोलना उलना, लेकिन आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। देखिए बच्चों का प्रोग्राम शुरू हो गया है और हम लोग बहुत लेट पहुँचे हैं। अब यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, सीटें भरी हुई हैं, जाके हम लोगों को सीट मिल गई है। खैर जाके वहाँ पे बैठना ही बैठना था। आप देखिए अवार्ड मिल रहे हैं, जिन बच्चों ने डांस वगैरह कर लिया है उन्हें अवार्ड भी मिल रहा है, और जिनको मिल गया है वो बच्चे अपने पेरेंट्स में जा चुके हैं। अभी हमारे बिटिया का प्रोग्राम हो चुका है, एक दूसरा डांस शुरू होने जा रहा है जो कि हम आपके सामने भी दिखाने जा रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत बुरी होती हैं हमारे इस्लाम में, लेकिन क्या करें, माहौल के हिसाब से सब करना ही पड़ता है। दुनिया में रहना है तो बच्चों को इस चीज़ की इजाज़त देनी ही पड़ती है। चलिए खैर काफ़ी बातें हो गई हैं, अब आपको दिखाते हैं कि पीछे की सीट खाली हो चुकी हैं। ये हमारी बेटी आई है और वो बहुत खुश है, और उसके फ्रेंड्स खड़ी हैं, बैठी हैं, और बच्चे सब उसी की तारीफ कर रहे हैं। दीदी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, सभी तारीफ कर रहे हैं, और मैंने भी तारीफ की क्योंकि मेरी बेटियाँ छोटी अली है और बहुत खूबसूरत लग रही है। देखिए ये सेट पे जा चुकी है और प्रोग्राम शुरू हो चुका है, डांस कर रही है और खूब इंजॉय कर रही हैं। बच्चों को ज़रा इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिल लगता है, बहुत खुश होते हैं डांस वगैरह करते करते, उन लोगों का दिल लगता है, पढ़ाई में कम डांस में ज़्यादा लगता है। सब एक्साइटमेंट में रहते हैं कि मम्मी आज मेरा प्रोग्राम है, रात भर सोए नहीं है खुशी की वजह से। खैर मुझे तो पता भी नहीं था, मेरे हस्बैंड ने अचानक मुझसे कह दिया कि चलो बिटिया का फ़ोन आया है, ला रही है, अब उसको जाना पड़ा। फिर मैंने देखा कि जाके वहाँ पे प्रोग्राम में भी क्या कहते हैं शिरकत करना ही पड़ता है। और बताएं आप सब खैरियत से हैं, सब ठीक? चलिए देखिए प्रोग्राम क्या हो रहा है। यहाँ पे मंत्री जी प्रिंसिपल को अवार्ड दे रहे हैं। देखिए अभी पहली बार मतलब बोल रहे हैं, पर हमें पता नहीं है कैसे बोला बोला जाता है इसमें। यहाँ पर हाथी उसके फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं, सब बच्चे उसके फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। फ्रेंड भी उसकी खड़ी हुई है, बहुत खुश हो रहे हैं दोनों बच्चे। अभी यहाँ से इतनी तेज़ी से भागी कि मैं इसे ढूंढती रह गई, डायरेक्ट मेरे ही पास आके खड़ी हो गई। मैं सोचती ये कहाँ गई है, और ये मेरे पास ही आ गई थी और मुझे बता रही है कि अम्मा आज नहीं मेकअप के लिए, पापा सिर्फ ने बोले बोलोगे। तो इनके पापा ने कहा आज तो प्रोग्राम है, आज मैं मेकअप को क्यों डांटूँ आपको। दरअसल इनके पापा मेकअप के लिए बहुत डांटते हैं, फिर भी आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं, मेकअप करेंगे ही करेंगे। जब कोई प्रोग्राम होता है तो खास करके काफ़ी डार्क मेकअप कराया जाता है। क्या उनके पापा बिटिया की पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, वो बड़ा खुश हो रही है। छोटी है ना तो अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली दुला रही है, और भूखी थी सुबह, रात भर सोई नहीं है खुशी की वजह से, और सुबह खाली पेट स्कूल चली आई। मैंने कितना कहा बिटिया चाय पी लो, दूध पी लो, रोटी खा लो, कुछ खा लो, वरना नहीं सुन नहीं है। खैर खुशी का ठिकाना ही नहीं था, आ रहे अब यहाँ पे इनके पेट में चूहे कूद रहे हैं। देखिए पूरी सीटें खाली हो चुकी हैं, जिन बच्चों का फंक्शन होता जा रहा था उन्हें अवार्ड मिलता जा रहा था, तो वो अपने माँ बाप के साथ जा रहे थे, और आखिरी में हम लोगों ने सब साफ करके सबको हटा के अपनी बिटिया को लेके वापसी की है। यहाँ पे बिटिया गई थी चेंज करने के लिए, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं।
कि वो आए तो हम जाएं। यहाँ पे भी टीचर्स जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं बिटिया के क्लास के, और हमारी भी बिटिया नहीं आ रही है। ये ऑरेंज साड़ी वाली हमारी बिटिया की प्रिंसिपल है। ये देखिए पूरी सीटें खाली हो गई हैं। अल्लाह, अकेले में हमें लग रहा है काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को जाने में वापसी में, और हमारी बिटिया नहीं आई। आप देखिए आई, और आई भी तो ऐसे आई कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। बामुश्किल तमाम पीछे निकली है सब लड़कियों के, और वहाँ जाते ही बाहर जाते ही खड़ी हो गई, क्योंकि उसको उसके फ्रेंड्स वगैरह रोक लिए और उससे बातें करने लगे। हमारे हस्बैंड आगे जा रहे थे अपने बिटिया के साथ में, और यहाँ पे प्रिंसिपल मैम खड़ी हुई है, सारे बच्चों को भेज रहे हैं। हमारे हस्बैंड अपनी बाइक लेने गए हैं, और ये देखे अपने फ्रेंड्स के साथ बतिया रही है। काफ़ी अच्छे से एलियां थी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मुझे भी बुलाया, मुझसे भी बात की। मैंने उनसे मजाक किया कि बेटा मुझे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तो सब खुश हो गए। अच्छा लगा कि बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी लगी बच्चियाँ। और अल्लाह करे सबके बच्चे सही रहें, ठीक रहें, सलामत रहें, और पढ़ाई लिखाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, कामयाब हों। इसमें टीचरों की बहुत मेहनत होती है, वो बहुत मेहनत करते हैं बच्चों को आगे बढ़ने में और कामयाबी देने में। तो इसलिए मैं टीचरों को भी दुआ दूंगी कि वो भी बहुत कामयाब हैं हर तरह से। यहाँ पे हस्बैंड ने बाइक को स्टार्ट कर लिया है, और बेटिया अपने को बैठा लिया, अपने फ्रेंड्स से बाइक कर रही है, और मैं पीछे बैठी हूँ। और मैं निकली, अब मैं निकल रही हूँ, पूरा खाली करके ही निकली हूँ मैं क्योंकि सारे बच्चे जा चुके थे। प्रिंसिपल मैम और अदर टीचर जितनी हैं सब खड़ी हुई हैं, और एक बच्ची रह गई थी वो बाहर में जा रही है। और हम यहाँ से जब गुजर रहे थे तो अमीनाबाद साइड से रास्ता है गन्ने वाली गली, उस गले में एक बंदर बैठ गया था। रास्ते में काफ़ी भीड़ लग गई, वो छट नहीं रहा था। फिर हम आग पहुँच के अपने घर, ये हमारा गेस्ट हाउस है, और हम अपने घर पहुँचे हैं। ये हमारा ऑफिस, हमारे हस्बैंड बैठते हैं यहाँ पे, और हम आगे अपने घर में ठीक है। और हमारी बिटिया कोचिंग के लिए जा रही है, और वो तैयारी कर रही थी। अब अल्लाह हाफिज़ करते हैं आप लोगों को।